नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। तो फिर आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज काफी टाइम के बाद मैं आपसे ऐसे ही बातें करना चाहता हूँ। पिछला साल बहुत बुरा गुजरा है सबके लिए जो लोग इंडिया में हैं, क्योंकि बिजनेस डाउन हो गए, जिनके जॉब थे काफ़ी लोगों के जॉब चले गए, काफ़ी लोगों की सैलरी कम हो गई, काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई, मतलब समझ सकता हूँ मैं सारी बातें, ठीक है। मतलब पर्सनली मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स आए, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, फेसबुक पर मैसेज आए, हर किसी के साथ बात करता हूँ, मतलब जितने भी लोगों के साथ टच में हूँ, तो डिस्टर्ब हो गई है इंडिया के मतलब लोगों की काफ़ी सारी लाइफ्स, मेंटली थोड़ा सा चेंज हो गए, लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज हो गई है। इवन मेरे नज़दीकी जितने सारे काफ़ी सारे दोस्त थे उनके जॉब पर भी इसका बहुत सारा असर हुआ है इंडिया में। दोस्तों मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखो ये जो टाइम होता है ये टाइम टाइम की बात होती है, टाइम हर टाइम सेम नहीं रहता है, ठीक है। कुछ सालों के पहले अगर मैं खुद कुछ साल पहले बैक में जाता हूँ तो मेरा भी इतना अच्छा नहीं था पहले, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में मेरी खुद की स्टोरी बताई है कि किस तरीके से मैं यहाँ पे आया, किस तरीके से मैंने यहाँ पे स्ट्रगल किया और किस तरीके से अभी इस मुकाम पर आना इतना आसान नहीं था, ठीक है। दुबई आना अब बहुत इजी हो गया दोस्तों आपके लिए, विजिट वीज़ा ले लो, थोड़ा सा गाइडेंस ले लो, आ जाओ। इतना जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे तो कुछ ये भी यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं बनाता था, कोई वीडियो नहीं थे इससे रिलेटेड, ना पता भी नहीं था, बस खुद जाके एक्सपीरियंस करना था। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे आके अब जो है सेट हो गया हूँ दोस्तों, सेटल हो गया हूँ। मगर आज आपके लिए बहुत सारे, मैं इवन आप मुझे नहीं फॉलो करते तो काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो आपको गाइड भी करते हैं और मिस गाइड भी करते हैं, तो मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं। तो मैं आपको मतलब ये बताना चाहता हूँ कि देखिए बड़े बड़े आपने सपने रखने हैं, ठीक है। कभी ये नहीं सोचो कि मेरा सपना पूरा नहीं होता है, मुझे ही क्यों। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद तकरीबन मुझे 6 महीने जॉब नहीं मिला था दोस्तों, ठीक है। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, मुझे बहुत छोटे छोटे जॉब ऑफर्स मिलते थे, 3,000 का मैंने जॉब किया है रुपए में इंडिया में। आप मेरे पिछले वाले वीडियोज़ बताई देखिए, मैंने उसमें सारी स्टोरी बताई है। तो उस टाइम मुझे ये लगता था कि मैंने IT इंजीनियरिंग की है और मुझे ही ऐसा क्यों। मैंने कभी हार नहीं मानी जिंदगी में दोस्तों, मुझे आगे जाना था, मतलब मैं सोचता रहता था चलो ठीक है यहाँ पे नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे दोस्तों, मैंने इवन दुबई आने से पहले मेरे सपने कनाडा UK इस तरीके से इधर जाने के थे, मगर फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि बहुत दूर भी नहीं जाना है, इतना अपने भारत माता से इतना भी दूर नहीं जाना है। दुबई कैसा है दोस्तों पता है, यहाँ पे रहने का फायदा ये है ना, 3 घंटे में आप इंडिया पहुँच सकते हो अगर इमरजेंसी में जाना पड़ा तो, इतना दूर भी नहीं है, अच्छी खासी इनकम यहाँ पे हो जाती है और स्ट्रगल नहीं है इतना। हाँ स्ट्रगल आपको तब तक ही यहाँ पे है दोस्तों जब तक आपको जॉब नहीं मिलता, जब आपको जॉब मिल जाता है ना लाइफस्टाइल बंदे की चेंज हो जाती है। मेरे थ्रू काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं तो मैं उनको यही बातें बताता हूँ। देखिए अभी जैसे कि अभी तो यहाँ पे वेदर अच्छा है, मतलब ठंड है, इवन दिन में भी अभी यहाँ पे ठंड लगती है, मगर काफ़ी लोग जो है वो गर्मी के सीज़न में यहाँ पे आए हैं, गर्मियों में वो लोग बाहर घूमे हैं, गर्मियों में उन्होंने जॉब सर्चिंग की है, ठीक है। तो ये जो इवन आप इंडिया से हो, अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब कि जो भी स्ट्रगल होता है ना वो जॉब मिलने तक ही है आपका, ठीक है। लक्ष्य रखो, पागल बनो, मैं सच में आपको कहना चाहता हूँ पागल बनो, जब तक आपको दुबई जॉब मिलता नहीं है ना आप पागल बनो, ठीक है, बस स्मार्ट पागल बनो। क्योंकि अभी क्या हो गया, उस तरीके से अगर आप पागल बनोगे ना आपको चूना लग जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे स्कैम हो रहे हैं आजकल, काफ़ी सारे फेक ऑफर लेटर्स आपको मिल रहे हैं, पैसे किसी को नहीं दे रहे, इतना ध्यान में रखना है। और इस तरीके से पागल बनो कि दुबई जॉब मैं पाऊंगा विदाउट एनी इन्वेस्टिंग, मतलब मैंने पैसे कहीं पर नहीं लगाने, इस तरीके से दिमाग में रखो और पागल बनो।
क्योंकि पागल जो होते हैं ना वही इतिहास रचते हैं, ठीक है, इतना याद रखो। तो मैं भी पागल था जब मैं जॉब करता था ना, मैं यही सोचा करता था दोस्तों क्या करूँगा मैं इस सैलरी में। जो मैं यहाँ पे जब आया दुबई में, तो इंडिया की जो मेरी लास्ट सैलरी थी वो तकरीबन 11 या 12.5 थी, 11,000 फर्स्ट ईयर के लिए शायद थी, 11,500 कुछ तो, अभी याद भी नहीं है मुझे। वो सैलरी छोड़कर मैं यहाँ पे आया था दोस्तों, मतलब देखिए मैंने कितना बड़ा जंप किया। मगर वो इजी नहीं था मेरे लिए भी, मैं दिन दिन भर बैठ के जॉब सर्चिंग करता था, अपने लक्ष्य से मैं इधर उधर नहीं हुआ कभी भी। दिमाग में मेरे यही था कि मैंने दुबई जाना है, मैंने कैसे भी दुबई जाना है, ठीक है। और इस तरीके से जब मैं करता रहा तो तकरीबन 6 महीने 1 साल लग गया होगा मुझे, तो जाकर मुझे दुबई जॉब लगी। ऐसा नहीं कि मैंने जॉब सर्चिंग स्टार्ट की ऐसे ही मुझे मिल गई, नहीं दोस्तों, इजीली अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता सिवाय माता पिता के प्यार के, वो आपको बस इजीली मिल जाएगा। बाकी कुछ भी आपको पाना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। बस अपना लक्ष्य उस पर ही रखो, कॉन्स्टेंटली उसके लिए ट्राई करते रहो। देखिए फेल्यूर आता ही रहता है, फेल्यूर आते रहते, उसके बाद जब सक्सेस होती है ना उसका मजा कुछ और ही होता है दोस्तों, ठीक है। और जब आपको जॉब मिलेगा ना दुबई जॉब, वो खुशी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वो आप ही महसूस कर सकते हो। क्योंकि जब मुझे दुबई जॉब मिला था, मेरे हाथ में जब यहाँ का ऑफर लेटर था, तकरीबन इंडिया के उस टाइम पे मुझे 11,000-12,000 मिल रहे थे वो सैलरी, और दुबई की मेरी 80,000 सैलरी थी उस टाइम पे, मतलब काउंट किया जाए तो 4,000 सैलरी थी मेरे उस टाइम पे। तो वो चेक कीजिए आप कितना बड़ा गैप था, मतलब कितनी बंदे को खुशी होती है कि इस बंदे को, एक बंदे को इतने से उठाकर डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो डिप्रेस नहीं होना है, मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा है आजकल ये कोरोना के वजह से डिप्रेस हो गया। देखिए ये टाइम आता जाता रहता है, जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा सा, उनको ये बोलिए या खुद को बोलिए कि हाँ नहीं मैंने मेरा माइंड सेट करना है, मैंने इस तरीके से डगमगाना नहीं है जिंदगी में, मैं एक बार तो जाऊंगा दुबई, ठीक है। बस इस तरीके से दिमाग में रखिए, ठीक है। बाकी मैं हूँ, बीच बीच में आपके लिए भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मुझे ये लगता है ना कि जैसे मैं इस यहाँ पे आया हूँ, इस मुकाम पर पहुँचा रहा हूँ, मुझे लगता है जो भी मेरा वीडियो देखता है, जिसको दिल से चाह है दुबई जाने की, वो यहाँ पे आ जाए, उसको अच्छा सा जॉब मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे जब कोई बंदा मैसेज करता है, कोई ईमेल करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो मुझे कभी ईमेल नहीं करते हैं, कुछ पूछते नहीं है, कभी कमेंट नहीं करते हैं, और जब उनको जॉब मिल जाता है तब जाकर वो मुझे ईमेल करते हैं कि सर मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, पॉइंट आउट्स किए, नोट डाउन किए, और अब जाकर जो है मुझे यहाँ पे अच्छी सी जॉब मिली, सर थैंक यू वेरी मच। वो पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आते हैं कि सर मैंने आपके टिप्स फॉलो किए, और रियली इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों को दुबई को छोड़िए, आप ओमान में, सऊदी में, बहरीन में इस तरीके से जॉब मिले ये टिप्स फॉलो करके, ठीक है। हम लोग तो उस कंट्री के लिए वीडियोस नहीं बनाते, दुबई के लिए बनाते हैं, मगर मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिले, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।